साल में एक बार होती है ये रेस? बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत शांति है यहाँ। काफी सारी चीजें बताई। चंद्रा नदी है, हाँ। इसी में ही सिसु नदी भी पीछे मिलती है। अंडर 19 एलीट और मास्टर्स है उनके लिए 48। Hey guys, good morning and welcome to my YouTube channel Explore the World by Road. और आज हम हैं लाहौल वैली में and this is super beautiful. आज सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर दिया 8 बजे। हमारा प्लान है आज कहाँ जाने का, तांडी। सो आज हम जाएंगे तांडी संगम, जो चंद्रभागा नदी का संगम होता है, एंड फिर रिटर्न में हमने उसके लिए अप्लाई किया है रोहतांग पास परमिट के लिए। हो गया क्या अपना? अरे वो हो रहा था, मम्मा का फोन आ गया है। होना है वो। सो रोहतांग पास जाने के लिए आपको परमिट अप्लाई करना पड़ता है एंड वो ऑनलाइन होता है। अदरवाइज अगर आपके पास परमिट नहीं होता तो आपको अटल टनल से आना होता है। तो हम अटल टनल से आ गए थे बट अब जाना है, हमारा रोहतांग पास से मन कर रहा है और ट्यूसडे को रोहतांग पास बंद होता है फॉर मेंटेनेंस पर्पस। तो चलते हैं, आपको दिखाते पहले संगम, उसके बाद आगे के पूरे लाहौल वैली के नज़ारे। सो गाइस यहाँ पे हो रही है एक वीर लाहौल स्पीति साइकिलिंग एसोसिएशन। सो मैम ये साल में एक बार ही होती है क्या? ये एक्चुअली ये साल में एक बार ही होती है। साल में एक बार होती है रेस? तो रेस है, रिले है, मैराथन है, क्या ये रेस? रेस ही है। हाँ जी, कैश प्राइज रेस। कैश प्राइज रेस है। ये कहाँ से कहाँ तक होती है? ये इट डिपेंड्स ऑन कैटेगरी। कैटेगरी जैसे 14 कैटेगरी की जो है अंडर 14 उनके लिए 30 किलोमीटर्स, और जो अंडर 19 एलीट और मास्टर्स है उनके लिए 48। क्या नाम है इस रेस का? इस रेस का नाम है MTV ग्रे गोस्ट। सो गाइस यहाँ पे एक साइकिल रेस हो रही है जो साल में एक बार होती है। और इसका कहाँ से कहाँ तक होती है डिस्टेंस, मतलब स्टार्ट कहाँ से होती है? 45 किलोमीटर। स्टार्ट केलोंग से होती है। केलोंग से स्टार्ट होती है? केलोंग तो पीछे हो गया, केलोंग से लेके केलोंग पीछे हो गया। हाँ, फिर आगे कहाँ तक जाती है? आगे मुलिंग होके। मुलिंग गाँव है। हाँ ओके, फिर वापस केलोंग। ओके, केलोंग से मुलिंग, मुलिंग से केलोंग, तकरीबन आपने जैसे बताया कितने किलोमीटर्स? 48 किलोमीटर्स की रेस। तो जिसकी वजह से यहाँ पे अभी काफ़ी देर तक जाम लगा हुआ था तांडी में, लास्ट पेट्रोल पम्प जो है वहाँ पे जाम लगा हुआ था। यहीं पे आगे संगम भी आता है, चंद्रभागा नदी का। इसी में ही ये जो चंद्रा नदी है, हाँ। इसी में ही सिसु नदी भी पीछे मिलती है और उधर से भागा नदी। सिसु नदी कहाँ पे मिलती है? वो पीछे लाहौल जो अटल टनल से आगे आके जो नदी आती है, हाँ, वो सिसु नदी है और इसके पीछे एक ब्रिज है, हाँ। वहाँ पर सिसु और चंद्रा नदियाँ मिलती है और ये चंद्रा और भागा मिल जाएगा। ये भागा उधर से आ रही है। हाँ जी, आगे यहाँ जी लद्दाख साइड से। ये सिसु और चंद्रा नदी है और वो भागा नदी है जो आगे जाके चिनाब नदी बनती है। चिनाब और वो पाकिस्तान तक जाती है, वो सिंधु नदी में जाके मिलता है। जी जी जी, थैंक यू सो मच। सो गाइस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। मतलब हम आए, हमने अपनी गाड़ी अभी पेट्रोल पंप में पार्क कर दी एंड उसके बाद अभी हम बस ये संगम देखने जा रहे हैं चंद्रभागा का। मतलब मैम ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, साल में एक बार होती है रेस ये वाली, 48 किलोमीटर्स की रेस होती है, किलोंग से आगे तक जाती है फिर वापस से किलोंग तक। एंड ये जो नदी है ना चंद्रा नदी, इसमें सिसु नदी वहाँ पीछे अटल टनल के उधर सिसु नदी चंद्रा में मिलती है, चंद्रा भागा से मिलकर चिनाब बनती है और चिनाब आगे जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। सो इंटरेस्टिंग। आप ऐसे चुप चुप में? बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब बहुत शांति है यहाँ। जय हो, ओम नमः शिवाय। सो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ।
एंड ये जो नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता है ना, जो संगम होता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आप वो देखो, वो नदी आ रही है चंद्रा नदी, और ये नदी वहाँ से आ रही है भागा नदी, और इन दोनों का संगम होके चिनाब नदी बन गई। सो ये तांडी जगह लाहौल वैली में, यहाँ पे संगम होता है एक्चुअली। ये है चंद्र नदी, जय बजरंगबली। अब अपन चलते हैं भागा नदी की तरफ। मेरा एक्चुअली ये में मुझे इंडिया की सारी नदियाँ देखनी है, एंड ये कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ ख़त्म होती है, इनका कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है, ये सब देखने का मेरा बहुत मन है। तो अभी तक काफ़ी सारे संगम देख लिए अपन ने, एंड अभी बहुत सारे बच्चे हैं, धीरे धीरे करके देख लेंगे सारे। निशा भागा नदी को टच करते हुए कैसा लगा? अति उत्तम। सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पे पुराने पंजाब के लेजेंड प्रेमी प्रेमिका सोनी महिवाल इसी चिनाब नदी को पार करके एक दूसरे से मिला करते थे। सोनी जो थी वो चिनाब नदी को पार करके महिवाल से मिलती थी, और इसी दौरान उनका प्रेम बहुत ही पक्का होता गया। आप देखते रहिए इसी चैनल को, बहुत ही धाकड़ न्यूज है। निशा के साथ, कैमरामैन निशा के साथ। बादलों के बीच में पूरा, वी आर एट टॉप ऑफ रोहतांग पास।